जिला कांगड़ा में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच कांग्रेस की ओर से लंज बाचड़ी पीएचसी को अपग्रेड कर सीएचसी का दर्जा देने की मांग उठाई गई है। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यदि इन दोनों पीएचसी को सीएचसी बनाया जाता है तो लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। प्रदेश कांग्रेस महासचिव केबल सिंह पठानिया ने कहा कि पूर्व कांग्रेस कार्यकाल के दौरान पीएचसी लंच को सीएचसी का दर्जा दिलाया था। सत्ता परिवर्तन उपरांत स्थानीय विधायक एवं मंत्री लंच पीएचसी में एक डॉक्टर तक की तैनाती नहीं करवा पाई है। लंच पीएचसी को सीएचसी बनाने के लिए संघर्ष समिति का गठन किया गया है। पठानिया ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा लंच पीएचसी को सीएचसी बनाने के लिए 85 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी और इसके लिए भूमि हस्तांतरण अभी तक प्रदेश सरकार नहीं कर पाई है। सरकार को चाहिए कि शीघ्र औपचारिकताएं पूर्ण करके लंच सीएचसी का कार्य शुरू करवाए जिससे कि चंगर की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें। पठानिया ने कहा कि पीएचसी चड़ी को भी सीएचसी का मामला उठा है। पठानिया ने कहा कि पीएचसी चड़ी का भी सीएचसी का मामला उठा है, अब उसका भी समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि दोनों ही पीएचसी को सीएचसी बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाएं। पठानिया ने कहा कि चड़ी पीएचसी में तो उपलब्धता भी है और सरकार को मात्र इसे सीएचसी का दर्जा देना है। जहां तक सीएससी पीएससी से सीएससी लंज जो है वो जब वर्तमान में पूर्व में मुख्यमंत्री राजवीरेंद्र सिंह जी थे उनसे मैंने जब वो लंच के दौरे पे आए थे तो पीएससी से सीएससी का दर्जा दिलाया था और उसके बाद चुनाव आ गए और चुनाव आते ही मैं कहता हूँ पिछले 3.5 साल में वर्तमान विधायक और आदरणीय मंत्री श्रीमती सरवीण चौधरी जी वहाँ एक डॉक्टर भी पोस्ट नहीं कर पाई और मैं समर्थन करना चाहता हूँ जो संघर्ष समिति के लोग वहाँ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनकी मांग यही है कि एक तो उसमें हम पैसा दे के 85 लाख रुपया पूर्व मुख्यमंत्री राजवीरेंद्र सिंह जी दे गए थे तो उस एक तो लैंड ट्रांसफ़र होनी है 3.5 साल में वर्तमान सरकार जो है लैंड ही ट्रांसफ़र नहीं करवा पाई तो उस संघर्ष का मैं समर्थन करता हूँ और हम विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय से इस मामले के वो इंटरवीन करें। सीएससी का दर्जा ऑलरेडी कैबिनेट ने दिया और डॉक्टरों की पोस्टें वहाँ क्रिएट की जाएँ और साथ में जो फॉरेस्ट लैंड है उसको ट्रांसफ़र करके जल्दी से जल्दी जो है बिल्डिंग वहाँ बने जिससे कि चंगर क्षेत्र में लंज में वो भूतपूर्व मूलभूत सुविधाएँ जो है लोगों को मिले, इसलिए वहाँ पीएससी से सीएससी लंज क्रिएट की थी। जहाँ एक और मुद्दा सीएससी चड़ी का उठा है तो उसका भी हम समर्थन करते हैं और सीएससी चड़ी में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है और वर्तमान मंत्री को चाहिए क्योंकि वो विधायक है यहाँ से मंत्री है तो पीएससी से सीएससी का जो है वो चड़ी का वो दर्जा दिलवाए जिससे कि लोगों को क्योंकि कोविड जैसी महामारी चली है जितने ज़्यादा एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ सर्विस अगर स्वास्थ्य सेवाओं की होगी उतनी हम तो चाहते हैं कि इन अब जिस तरीके से सब डिवीजन लेवल का हॉस्पिटल हमने शाहपुर के अंदर राजा वीरभद्र सिंह जी से मनवाया था तो हम चाहते हैं छोटे छोटे चाहे 25 ही बेड हो 25-50 बेड चढ़ी के अंदर 25-50 बेड लंज के अंदर इसी तरीके से लपियाणा में है 25-50 बेड जो है वो हमारे धरिणी के अंदर जिससे कि लोगों को क्योंकि सबसे बड़ी समस्या सरकार के पास ये आ रही है कि कोविड केयर जो सेंटर हैं उनको कहाँ इस्टेब्लिश करें। माइगर लोग बाहर से भी आ रहे हैं तो इस पे सरकार को जरूर सोचना चाहिए और ये जो पीएससी है इनका दर्जा जो है सीएससी का करना चाहिए।